नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ा मुकाबला था, बड़ा मुकाबला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के पास मौका था अंतिम चार में पहुंचने का, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। हाइलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ द मैच क्या रहे वो आपको बता देते हैं, और हाइलाइटिंग पॉइंट ऑफ द मैच में सबसे बड़ा एक नाम रहा रिद्धिमान साहा। आउट ऑफ द बॉक्स आए और ऐसी पारी खेल गए जिसका जवाब शायद दिल्ली के पास नहीं था। वो एक आउट ऑफ सिलेबस आए हुए क्वेश्चन की तरह थे जिसके लिए दिल्ली ने प्रिपेयर ही नहीं किया था। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, दिक्कत हो गई। मतलब फेल हो गए, बहुत बुरा फेल हो गए। मतलब आप ये देखिए, पहले ही ओवर से रिद्धिमान साहा ने जो पीटना शुरू किया है दिल्ली के गेंदबाजों को, और दिल्ली के गेंदबाजी अभी तक की, हाँ मतलब आप सोचिए, रबाडा का कबाड़ा कर दिया, नौरखिया को भी बहुत बुरी तरीके से मारा, अश्विन इतने बड़े, हाँ नौरखिया को नॉकआउट कर दिया, अश्विन के लिए क्या कहेंगे, अश्विन पर विन कर ली, ठीक है। आप देखिए ना, मतलब 45 गेंदों पर 87 रन यार 193, यानी लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है यार। शुरुआत में आके आपने 45 गेंदों पर लगभग 90 बना दिए, 200 के स्ट्राइक रेट से बचा क्या, फिर सामने वाली टीम वैसे ही आधी हो गई थी उसी समय, किसी को समझ नहीं आ रहा था गेंद कहां फेंके रिद्धिमान साहा को। और शॉट खेले, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कभी इधर कन्नी लग रही हो, हाँ, कि इधर बैठ गए इधर बैठ गए, और ऐसे कुछ नहीं, सीधे बैट से क्रॉस बैट शॉट, बिल्कुल। अगर आपने छोटी फेंकी तो पुल मार रहे थे, अगर आपने आगे फेंकी सामने खेल रहे थे, प्रॉपर यार, इसीलिए दिल जीत लिया। और कल ही अभी टीम का ऐलान हुआ है, उनको जो है ऊपर रखा गया था, तरजीह दी गई थी, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है किसी। आज आप नटराजन की गेंदबाजी देखिए, उसमें लग रहा था उनको एक कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, या वो तो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन साहा ना आउट थे और अचानक से टीम में रखा गया उनको, और उन्होंने हैदराबाद को मतलब ये दिखा दिया, जैसे की सामने आज तो फिर एक और ज्यादा मैसेज गया होगा कि देखो सामने वाला क्या खेल रहा है, और मैं क्या खेल रहा हूँ, और कि दोनों में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप लोग बस, नाम बड़ा होता है, आप लोग मुझे कम करके आते हैं, देख लीजिए। तो हैदराबाद ने भी, मैं कहूंगा जैसे किंग्स इलेवन पंजाब ने अभी तक शुरुआत के 7 मैचेस में गेल को अंडर एस्टिमेट किया था, नहीं खिलाया था, और अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे, तो आप देखिए ना, गेल ने आते ही दिखा दिया। पांच मैच खेले हैं, पांचों मैच जिताए, और पांच में से तीन तो वो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं यार। गेल ने कितना डिफरेंस डाला इस टीम में आके, कुछ लक का भी मैटर होता है, ये नहीं कि पांचों मैच गेल ने जिता दिए, पिछला मैच आप कह सकते हैं जिताया, एक और मैच जिसमें 50 मारी थी वो जिताया, लेकिन कंट्रीब्यूट लगभग हर मैच में किया भाई, उसी की बात मैं कर रहा हूं, तो कंट्रीब्यूट लेकिन हर मैच में किया उन्होंने, लेकिन लक भी साथ में होता है कि किसी एक प्लेयर के आने से ना पूरी टीम बदल जाती, जैसे कि आज रिद्धिमान साहा के साथ हुआ। यही बेरस तो होते वही पिछले मैचेस की तरह, थोड़ा बहुत शुरुआत में शॉट्स खेलते, थोड़ा फंस के खेलते, आउट हो जाते, हाँ आउट हो जाते, फिर वही चीजें होती जो हैदराबाद के साथ हर मैच में हो रही है, लेकिन साहा ने आके पूरा चेंज कर दिया। और साहा की वजह से ना इस ग्राउंड पे अभी तक डेविड वॉर्नर सिर्फ एक इनिंग खेल पाए थे, सिर्फ एक इनिंग, बाकी सब में फ्लॉप थे। साहा की वजह से आज उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस था, और क्या खेला, यही होता है आप जब पार्टनरशिप एक बढ़िया हो रही होती है ना, देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया। इसलिए साहा की बहुत तारीफ है यार, और आप लोग भी उनकी तारीफ कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले आज रिद्धिमान साहा ने किया क्या है, बहुत कमाल किया है, और आप मतलब वो आपकी तारीफ डिजर्व करते हैं, और आपका एक शेयर जरूर डिजर्व करते हैं रिद्धिमान साहा, तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।